सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। अगर आपको वीडियो में दिखाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीड करने हैं तो डिस्क्रिप्शन को ओपन करो। डिस्क्रिप्शन को ओपन करना अगर आपको नहीं आता तो आपको वीडियो टाइटल पर क्लिक करो। वीडियो टाइटल क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। उसके नीचे आपको क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करना है, आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिंक आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे आपके चैनल जीपीएड में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से डिमांड करी थी कि सर क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आओ साइंस के। तो दोस्तों, आप सभी के लिए मैं इस वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कैसे आपको साइंस की तैयारी करनी है। तो दोस्तों, बिना टाइम इसकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए साइंस की, तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए जिसके मैंने मिनिमम 25-30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जिनके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो डिस्क्रिप्शन को ओपन करके इस वीडियो को देखने के बाद जरूर डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक ओपन करके देख लेना आपके बोर्ड एग्जाम के कौन कौन क्वेश्चन आने के बहुत बहुत चांस है। तो दोस्तों, बिना टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप अकेले ऐसे स्टूडेंट नहीं हो जिसको साइंस पसंद नहीं है। मैक्सिमम बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको साइंस बिल्कुल पसंद नहीं होती। साइंस और मैथ ऐसे दो सब्जेक्ट है जो किसी भी स्टूडेंट को पसंद नहीं होते। बहुत रेयर स्टूडेंट होते हैं जिनको ये सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, जिनको ये इनसे स्टडी करना अच्छा लगता होता है, बट जो मैक्सिमम स्टूडेंट उनको इस साइंस और मैथ समझ ही नहीं आते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको साइंस की स्टडी करनी है। मैथ की हमने एक अलग वीडियो बना रखी है, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लो। इस वीडियो में बताऊंगा साइंस की आपको कैसे स्टडी करनी है और कैसे आपको इसको इंटरेस्टिंग बनाना है और इसमें कौन कौन चैप्टर है वो आपको इंपॉर्टेंट है वो आपको स्टडी करने चाहिए। तो बिना टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के फोन कॉल आए और बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को मैसेज किया कि सर जो इक्वेशंस है, केमिकल इक्वेशन है हमारे केमिस्ट्री के, वो हमें समझ नहीं आ रहे, और न्यूमेरिकल्स है फिजिक्स वो भी हमें समझ नहीं आ रहे। तो सर, हमें ऐसा कोई तरीका बताओ जिससे हम इनको आसानी से लर्न कर पाए। हमें ये चैप्टर समझ ही नहीं आ रहे हैं, इनके न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे मेरे को फिजिक्स के, साइंस के अंदर केमिस्ट्री के अंदर हमें इनकी इक्वेशंस नहीं आ रही, तो हम क्या करें। तो दोस्तों देखो, आपको मैं आप सभी को एक आसान सी टिप दूंगा कि जो चैप्टर्स आपको आ रहे पहले उनको स्टडी करो, ना कि जो चैप्टर नहीं आ रहे। जैसे कि अगर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आते, जो इक्वेशन वाले चैप्टर वो नहीं आते, वो एक उनको साइड में कर दो। बट अब जो चैप्टर आपको आते हैं थ्योरी के, बहुत सारे बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर्स है जो आपको आते होंगे, वो पहले आप स्टडी करो। इससे क्या होगा कि आपको जिन चैप्टर्स में आप नंबर गेन कर सकते हो उसमें आप पूरे नंबर गेन कर पाओगे। जब आप ये जो चैप्टर आपको आते हैं थ्योरी वाले वो आप कर लो, उसके बाद में इन चैप्टर्स को हाथ लगाओ, जिससे क्या होगा कि ये वाले चैप्टर कल को ज्यादा नंबर के आ जाते तो आप इनको भी स्टडी कर पाओ। इसमें अगर आपको 6 नंबर क्वेश्चन है उसमें आप थोड़ा बहुत भी लिख कर आओगे, थोड़ा बहुत भी आप इक्वेशन को ट्राई करोगे बनाने का और उसमें थोड़ी बहुत भी सही आप लगाकर आ जाओगे, तो भी आपको आराम से उसको क्वेश्चन के अंदर 2 नंबर मिल जाएंगे 6 मार्क्स के अंदर। आप बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि हम कुछ करके नहीं आएंगे। नहीं सर, अगर आप कुछ करके नहीं आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, बट अगर आप कुछ लिख कर आ रहे हो, थोड़ा बहुत भी आप इक्वेशन को बनाकर आते हो, तो आपको 2 नंबर जरूर मिलेंगे। और दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को ये कहते हैं कि सर हमें फिजिक्स से न्यूमेरिकल बहुत हार्ड लगते हैं। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ कि जो फिजिक्स के क्लास 10th के न्यूमेरिकल्स है वो क्लास 10th की मैथ से बहुत ईजी है। आप आराम से इसके अंदर आराम से स्टडी कर सकते हो, आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, आप आराम से इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। कोई भी हार्ड न्यूमेरिकल नहीं है, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल, जो क्लास 5th की आपकी मैथ थी ना उस टाइप की न्यूमेरिकल सही है। आप एक बार स्टडी करोगे, थोड़े से न्यूमेरिकल ट्राई करोगे, जरूर आपको मिलेंगे, क्योंकि फ्री के नंबर होते हैं न्यूमेरिकल के अंदर। आपको कई बार क्या तो 6 मार्क्स न्यूमेरिकल जिसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करके नंबर आंसर आ जाता है। तो आप, मैं आप सभी को एक टिप दूंगा कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल को बिल्कुल मत छोड़ना। अब जितनी कोशिश करो सबको न्यूमेरिकल्स को सारों को सॉल्व करना, और बाकी कुछ भी नहीं साइंस का थ्योरी सोरी है वो सारी थ्योरी करो। और जो इंपॉर्टेंट आपको सबसे बताना चाहूंगा कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट डायग्राम्स हैं बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, भी थोड़े बहुत डायग्राम्स है, जैसे कि ये सेक्स और रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट, ये वाला डायग्राम हर साल आता है, जैसे ये वाला डायग्राम हो गया, ये कुछ डायग्राम्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर इनको स्टडी कर लेना। और फिजिक्स के भी कुछ डायग्राम है, ग्लास चैप्टर के, मिरर चैप्टर के, ये कुछ डायग्राम है जो बहुत इंपॉर्टेंट जो हर साल आते हैं, तो आप इनको जरूर स्टडी कर लेना, इनसे आने के बहुत चांस होते हैं। और दोस्तों, एक मेन बात, ये जो टेबल है ये टेबल जरूर स्टडी कर लें, ये टेबल हर साल आती है, ये आपको इसमें वैल्यू पुट करनी होती है या फिर इसमें आपको, जैसे ये आपको बीच में टेबल बनाने के लिए कह देते हैं, तो ये टेबल जरूर कर लेना तैयार। और एक एंड में आपको एक बिल्कुल अच्छी टिप दूंगा मैं कि बोर्ड एग्जाम की आप जब भी तैयारी कर रहे हो, आपको एक आसान था मैं तरीका बताता हूँ कि जिस क्वेश्चन में अगर आप, जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, ह्यूमन हार्ट का सर्कुलेशन आपको नहीं आ रहा, उसमें कहा है आपको डायग्राम बनाने का या नहीं कहा, आप उसमें डायग्राम बनाकर आ जाओ। अगर आप उसमें डायग्राम बनाकर आओगे तो आपको मैं मैक्स, अगर वो क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो आपको उसमें से 1.5 मार्क्स तो पक्का ही मिल जाएंगे।
तो आप में बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि ऐसे थोड़ा मिल जाएगी दोस्तों, ऐसे मिलते हैं क्योंकि इसमें क्या कारण है, क्योंकि ह्यूमन सर्कुलेशन डायग्राम से अपना टीचर समझ जाएगा कि इस बच्चे को पढ़ना आता है। आप उसको ऊपर डायग्राम बना दो, नीचे 5-6 लाइनें लिख दो, तो भी आपको आराम से नंबर मिल जाएंगे। ये दोस्तों कुछ टिप्स है जो मैं आपको देना चाहूंगा, क्योंकि ये हर साल स्टूडेंट्स को मैं देता हूं और उनके नंबर आते हैं, इसलिए मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं, एक रियल बात है, एग्जामिनर से मैंने पूछा है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। और ये सब तैयारी करने के बाद आपको सिर्फ एक ही काम करना है, सैंपल पेपर सैंपल पेपर सैंपल पेपर, दिन में 2-3 सैंपल पेपर करो, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अगर आपको हमारी ये टिप्स अच्छी लगी और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना, प्लीज अपने सारे फ्रेंड्स शेयर भी करना, जिससे वो भी पता कर सके कैसे आपको साइंस की स्टडी करने और कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना सारे फ्रेंड्स के साथ में, और अगर हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और ऐसे हमारे चैनल को देखते रहो जिससे हम आपको ऐसी ऐसी अच्छी सी टिप्स देते रहे। Press.